नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंडिगो की फ्लाइट में पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मारा, उड़ान में 13 घंटे की देरी से नाराज था, बोला चला रहे तो चला, नहीं तो गेट खोल दे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। पैसेंजर उड़ान में 13 घंटे से हो रही देरी से नाराज था। घटना दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 की है। इसे सुबह 7:40 पर उड़ान भरनी थी, जो कोहरे के कारण लेट हुई। घटना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पीले रंग की हुडी पहने पैसेंजर सीट से उठकर पायलट के पास गया और थप्पड़ मारने के बाद कहा कि अगर फ्लाइट नहीं उड़ा रहा तो गेट खोल दे। पैसेंजर की हरकत पर एयर होस्टेस ने कहा, सर ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। घटना के बाद फ्लाइट में मौजूद लोगों ने भी पैसेंजर की हरकत का विरोध किया। इसके बाद उसे विमान से बाहर कर सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। पैसेंजर की पहचान साहिल कटारिया के रूप में हुई है। इंडिगो ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। लोग बोले नो फ्लाई लिस्ट में डाल दे। पायलट के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर्स ने बदसलूकी करने वाले पैसेंजर को नो फ्लाई सूची में डालने के लिए कहा। यूजर ने लिखा कि फ्लाइट या केबिन क्रू को देरी से क्या लेना देना है, वे बस अपना काम कर रहे थे। इस आदमी को गिरफ्तार करें और उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल दें। उसकी फोटो पब्लिश करें ताकि लोगों को सार्वजनिक रूप से उसके बुरे स्वभाव के बारे में पता चले। कांग्रेस नेता बोले, एयरलाइन का गैर जिम्मेदाराना रवैया, मंत्री मीडिया सब खामोश। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया उन नाराज यात्रियों की शिकायतों से भरा पड़ा है जो घंटों तक विमानों, एयरपोर्ट और यहां तक कि एयरोब्रिज के अंदर फंसे हुए हैं। अत्यधिक देरी, खराब कस्टमर सर्विस और एयरलाइंस की गैर जिम्मेदारी यात्रियों को परेशान कर रही है। वे सिर्फ असहाय होकर और उड्डयन मंत्री को टैग कर रहे हैं, लेकिन मंत्री, मंत्रालय और मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। अगर कांग्रेस सरकार में होती तो इस स्थिति में 24 घंटे 7 दिन नॉनस्टॉप मीडिया कवरेज होती। पहले कोहरे, फिर पायलट की अदला बदली के चलते डिले हुई फ्लाइट। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2175 को सुबह 7:40 पर दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरनी थी। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से उड़ान में लगातार देरी होती रही। सुबह से दोपहर तक फ्लाइट में देरी का शेड्यूल अनाउंस होता रहा। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि फ्लाइट में कुछ देरी पायलट के अदला बदली के चलते भी हुई। दरअसल उड़ानों में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का नियम लागू होता है, यानी एक तय वक्त के बाद पायलटों को फ्लाइट उड़ाने की इजाजत नहीं होती। एवरेज ड्यूटी टाइम 50 मिनट तक पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार 15 जनवरी 110 उड़ानों में देरी हुई। वहीं 79 उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके कारण अब उड़ानों में देरी का एवरेज टाइम भी अब 50 मिनट तक पहुंच गया है। खराब मौसम बन रहा देरी का कारण। रविवार 14 जनवरी को भी दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली कई उड़ानों में देरी हुई। इसकी वजह उत्तर भारत में कोहरा और खराब मौसम को बताया गया। इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा जैसी प्रमुख एयरलाइनों ने भी जानकारी साझा की है कि दिल्ली और कोलकाता में चल रही खराब मौसम की वजह से उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। पंजाब के अमृतसर में धुंध के चलते अमृतसर दिल्ली हवाई मार्ग पूरी तरह से प्रभावित रहा। इसके चलते एयर इंडिया ने पहले फ्लाइट को देरी से उड़ाने का फैसला किया। जब पैसेंजर्स देरी से अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल की चिट बोर्ड पर लगा दिया। इसके चलते एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने खूब हंगामा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।